हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कलर माय वर्ल्ड एपिसोड 30। एपिसोड 29 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं यूएन गुई वाई को उसके डैड को माफ़ करने के लिए कहती है, तो वो कहता है मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता, उन्होंने बचपन में हमें कूड़े कचरे की तरह ट्रीट किया है और वही मेरी मॉम एंड ब्रदर के डैथ के रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यूएन कहती है शायद उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन अब हो गया हो, तो एक बार इस बारे में जरूर सोचना। इधर चीपू मिसेस चैंग से अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करने के लिए कहता है, तो वो उसे हाँ बोल देती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चीपू को सडनली हार्ट अटैक आ जाता है, तो मिसेस चैंग उसे हॉस्पिटल लाकर यूएन को कॉल करके ये बताती है एंड आगे वो भागते हुए हॉस्पिटल आ जाती है। सो लास्ट के कुछ एपिसोड्स में दिखाया गया था कि चीपू को हार्ट डिजीज है, तो इसी वजह से उसे ये हार्ट अटैक आया है। वेल, मिसेस चैंग यूएन को बताती हैं कि डॉक्टर ने कहा है उसकी सिचुएशन काफी क्रिटिकल है एंड रो रही होती हैं, तो यूएन उन्हें काम डाउन कराती है। आगे गुई पाई भी वहां आ जाता है, जहां यूएन उसे भी अपने ब्रदर की सीरियस कंडीशन के बारे में बताती है और रोने लगती है एंड ये भी बताती है कि उन्हें ये हार्ट अटैक 7 साल पहले भी आया था, जिसकी वजह से उन्होंने सिस्टर चैंग के साथ ब्रेकअप कर लिया था। उस टाइम डॉक्टर ने कहा था कि अगर वो ठीक हो गई तो पूरी लाइफ मेंटेन कर लेंगे, लेकिन अगर उन्हें दोबारा अटैक आया तो उनकी जान भी जा सकती है एंड काफी बुरी तरह रोने लग जाती है। तो गुई वाई उसे कंफर्ट कराता है। आगे चीपू का ट्रीटमेंट चलता है। इधर शाओ चैंग लिटिल वेल के पास उसका ध्यान रखने आ जाती है। आगे शैन शैन ह्यूनैन एंड जीटीएन को भी ये बात पता चलती है, तो वो तीनों भी हॉस्पिटल आ जाते हैं, तो यूएन उन्हें थैंक्स बोलती है। वेल, आगे डॉक्टर बाहर आते हैं, तो गुई वाई उनसे चीपू की कंडीशन पूछता है, तो वो कहते हैं वो डीप कोमा में है, अगर उसे 24 आवर्स में होश आता है तो वो रिकवर हो सकेगा एंड उन्हें वेट करने को कहते हैं, तो यूएन एंड गुई वाई उन्हें थैंक्स कहते हैं। वेल, यूएन सिस्टर चैंग से घर जाकर रेस्ट करने को कहती है, तो वो कहती है मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं यहीं उसके साथ रहना चाहती हूँ, तुम जाकर रेस्ट कर लो, अगर कोई न्यूज होगी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। तो यूएन शैन शैन एंड ह्यूनैन एंड जी जी एन को वापस भेज देती है एंड कहती है मैं तुम लोगों से कॉन्टेक्ट करती रहूंगी, लेकिन खुद वहीं रुकती है एंड अपने डैड को भी कॉल करके ये सब बता देती है। तो गुई वाई उससे पूछता है क्या कहा अंकल ने, तो वो कहती है वो अभी वापस नहीं आ सकते, इसलिए हमें ही उनका ख्याल रखना होगा। तो गुई वाई उससे कहता है डोंट वरी, हम यहाँ हैं उनका ख्याल रखने के लिए। तो वो गुई वाई से कहती है डैड ने कहा है कि ब्रदर जब एक बार हॉस्पिटल आए थे तो उन्होंने घर पे एक लेटर छोड़ा था और उन्होंने हमें घर जाकर उसे रीड करने को कहा है। तो गुई वाई उसे घर ले आता है एंड वो वही लेटर ढूंढकर रीड करने लगती है, जिसमें लिखा होता है कि अंकल जब आप इसे पढ़ोगे तो आई नो मैं तब हॉस्पिटल में होऊंगा, मुझे पता है ये टाइम मेरा लास्ट टाइम होगा, अगर मुझे कुछ होता है तो मुझे रेस्क्यू मत करना, मुझे पीसफुली मरने देना, मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद आपने मुझे अपने साथ रखा और अपनी फैमिली का मेंबर बनाया, थैंक यू सो मच। तो जिसे पढ़कर यूएन काफ़ी रोती है एंड वही लेटर लाकर मिसेस चैंग को भी दिखाती है। वेल, यूएन ने उस लेटर को हाफ ही रीड किया था, आगे उसमें लिखा होता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड चैंग, जिसके साथ मैंने 7 साल पहले ब्रेकअप कर लिया था, अगर आपको वो कभी मिल जाए तो उसे बता देना कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ मेरे मर जाने के बाद। तो जिसे पढ़कर मिसेस चैंग भी काफी रोती है एंड गुई वाई से यूएन को घर ले जाकर रेस्ट करने के लिए कह देती है, तो वो उसे लेकर चला जाता है। देन आगे यूएन गुई वाई से कहती है एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तो गुई वाई कहता है अभी तुम्हारे रेस्ट करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, तो वो उसे ओके बोल देती है। इधर डॉक्टर मिसेस चैंग से चीपू के पास जाकर उसे देखने को कहते हैं एंड उसे 30 मिनट्स देते हैं, तो वो आकर उसे देखकर रोने लगती है एंड कहती है मुझे अभी भी याद है कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम स्कूल की लाइब्रेरी में देखा था और लास्ट टाइम मैं लिटिल वेल को भी उसी स्कूल में ड्राइंग के लिए लेकर गई थी, जब तुम रिकवर हो जाओ तो लिटिल वेल को वहाँ पेंटिंग कराने के लिए जरूर लेकर जाना, मैं काफी अनलकी हूँ, जब तुमने मुझे फर्स्ट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज किया था तब तुम्हें हार्ट डिजीज हो गई और तुमने गर्लफ्रेंड बनाने के बाद मुझसे ब्रेकअप कर लिया, आज फिर से जब तुमने मुझे लाइफ रिस्टार्ट करने के लिए कहा तो तुम्हें फिर ये डिजीज हो गई, जब तक तुम उठ नहीं जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज उठ जाओ।
मैं अब तुम्हारे बिना फिर दोबारा नहीं रह सकती, फिर मेरे साथ ऐसा मत करो, उठ जाओ प्लीज। एंड उसका हाथ पकड़ के रोने लगती है कि तभी हम देखते हैं चीपू को होश आ जाता है। तो वो डॉक्टर को बुलाने जा ही रही होती है, लेकिन वो उसे वही रोक लेता है एंड कहता है, क्या तुम जानती हो जब मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था तब से आज तक मैंने किसी और गर्ल को लाइक नहीं किया, इसलिए हम अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट करने के बाद कभी अलग नहीं होंगे। तो वो कहती है, हाँ कभी नहीं, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो चीपू भी उसे सेम वर्ड्स कहता है एंड कहता है, लेकिन ये प्यार तुम्हें बहुत पेन देगा। कि तभी उसकी आईज फिर क्लोज हो जाती है एंड उसकी सिचुएशन भी बिगड़ जाती है। तो वो उसका हाथ पकड़ के कहती है, अभी तुमने कहा ना हम कभी अलग नहीं होंगे, तो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। एंड तभी उसकी डेथ हो जाती है और वो रोती रह जाती है। इधर यूएन को भी ये ड्रीम आता है कि उसके ब्रदर की डेथ हो गई है, तो वो उठकर घबराकर हॉस्पिटल आ जाती है एंड वहां आकर उसे मिसेज चैंग से पता चलता है कि चीपू की डेथ हो गई है, जिससे उन्हें भी काफी बड़ा शॉक लगा था एंड वापस चली जाती हैं। तो यूएन रो रोकर अपने ड्रीम के बारे में गुई वाई को बताती है कि उसका ड्रीम सच था। तो गुई वाई उसे काम डाउन कराता है, देन वो उससे कहती है, मैं तुम्हें घर पर ये बताना चाहती थी कि मुझे भी मेरे ब्रदर की तरह सेम हार्ट डिजीज है। जब हम आइलैंड पे फर्स्ट टाइम मिले थे तो मुझे भी काफी सीरियस अटैक आया था और इसलिए मैं वहाँ अपने ब्रदर के साथ क्योर होने गई थी। सो गाइस, फर्स्ट एपिसोड में ये दिखाया गया था कि यूएन को भी एक डिजीज है, जो आज इस एपिसोड में दिखाया गया है। एंड बताती है कि डॉक्टर ने कहा था अगर दोबारा मुझे अटैक आया तो शायद मैं भी, एंड ये कहने से पहले ही गुई वाई उसे स्टॉप करा देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ज्यादा मत सोचो। एंड दोनों ही बुरी तरह रोने लग जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन सेमेट्री का दिखाया जाता है, जहां चीपू को ग्रीट करके सब उसे याद करते हैं एंड उसकी डेथ के बाद लिटिल वेल भी डिप्रेस्ड हो गया था। तो गुई वाई उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। आगे यूएन भी डॉक्टर से अपनी डिजीज को लेकर पूछने हॉस्पिटल आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी डिजीज भी उसके ब्रदर की तरह है, जो टाइम बॉम्ब की तरह सब कुछ ब्रेक कर सकती है। तो ये सब जानकर यूएन काफी हार्ड ब्रोकन हो जाती है। देन आगे वो मिसेस चैंग के पास आकर कुछ टाइम स्पेंड करती है, जो उसे एक वीडियो देखकर घर जाकर देखने को कहती है। तो आकर वो उस वीडियो को देखती है जो चीपू ने उनके लिए बनाई थी कि जब तुम इसे देखोगी तब मैं अलाइव नहीं होऊंगा। आई होप कि तुम और अंकल मेरे जाने से दुखी ना हो, हम दोनों को सेम डिजीज है, मैं रिसेंटली अपनी बॉडी में काफी वीकनेस फील कर रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि मेरी डिजीज काफी सीरियस है। थैंक्स मुझे और चैंग को फिर मिल पाने के लिए, मैं काफी लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, प्लीज अपनी हेल्थ की अच्छी केयर करना, मेरे अंदर तुम्हें ये बताने का करेज नहीं है। कि तभी यूएन का फोन डेड हो जाता है एंड वो समझ जाती है कि वो क्या कहने वाला था एंड रोने लग जाती है। तभी गुई वाई का उसे मैसेज आता है कि क्या तुम सो गई, तो वो उसे बिना रिप्लाई करी ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग गुई वाई यूएन को कॉल करके बताता है कि लिटिल वेल मिसिंग है, तो वो कहती है व्हाट, कहाँ जा सकता है वो। एंड ये एपिसोड ही एंड होता है।